हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज के स्टेट का रीडिंग को। सो आज की इस रीडिंग में चेक कर लेती हूँ जनरल बेसिस पे क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ गाइस आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं, आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ संदेश है जो वो आपको देना चाहते हैं। सो चेक करूँगी आज की स्टेट का रीडिंग में जनरल बेसिस पे रहेगा प्रेडिक्शन। सो जनरल तरीके से ही देखेगा, अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है रीडिंग भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। टाइमलेस है, जब भी टैरो का रीडिंग आपको मिलती है तभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर रीडिंग आपको मिलती है तो चेक कर लेती हूँ करंटली फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर एंड क्या कुछ मैसेज है अगर वो आपको देना चाहते हैं। सो चेक करती हूँ सबसे पहले करंटली फीलिंग्स को आपके पर्सन की, क्या कुछ करंटली फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या कुछ उनकी सच्ची भावनाएं हैं, ट्रूली फीलिंग्स व्हाट दे आर हैविंग इन देयर, जो कुछ भी वो सोच रहे हैं चेक कर लेती हूँ। ओके, सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सबसे पहले एनर्जीज जो आई हैं स्ट्रगलिंग एनर्जीज क्यों आई है, किस चीज़ के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और एफर्ट करने के बावजूद कहीं ना कहीं सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं जो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, पर आपकी तरफ जो है पूरी तरीके से अब उनका मन है कि वो वापस आ जाए, और वो शायद कुछ इशूज़ हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से शायद वो कम बैक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपसे कॉन्टैक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और कोई भी रीज़न की वजह से अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उनकी क्या कुछ सिचुएशन हो रही है आपके साथ में एक ब्लॉक कॉन्टैक्ट में या फिर आपके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट में, क्या वो खुश हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि उनकी एनर्जीज जो आ रही है मुझे बिल्कुल भी हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही, स्ट्रगलिंग वाली एनर्जीज आ रही है। और ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में एक अग्रेसिवनेस को भी कहीं ना कहीं बर्थ दे रही है कि आपके पर्सन अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनके माइंड में कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो टाइम है कहीं वो ना निकल जाए। किसी बात का फियर आपके पर्सन के माइंड में मुझे नज़र आ रहा है आपको लेकर। आपको लेकर किस बात का फियर हो सकता है इनके माइंड में? कुछ ऐसा है जिससे आपके पर्सन को आपको लेकर कोई फियर माइंड में है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर है। चेक कर लेती हूँ एनर्जीज को। बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ओके, सो द एम्प्रेस की एनर्जीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सो पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं आपके पर्सन की। सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, सोर्ड्स की एनर्जीज हैं मेरे पास में, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं अपने आप को आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। सो वैंड्स की एनर्जीज भी है, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो एंड एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। सो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की कि वो अपने आप को अकेलापन में महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। अलोन एनर्जीज होती है, सौरों की एनर्जीज होती है, गिल्ट होता है अंदर से, पछतावा होता है, मुझे वो एनर्जीज आपके पर्सन की मिल रही है कि बहुत ज़्यादा शायद आपके पर्सन जो है इमोशनल हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को जो है सोच रहे हैं डीपली, या फिर बहुत ज़्यादा उनके अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं कि अब वो सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते हैं। इस सिचुएशन से अब ये जो सिचुएशन आपके पर्सन की चल रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पास्ट में उनकी की हुई मिस्टेक्स की वजह से, या फिर पास्ट में उनकी की हुई गलतियों की वजह से शायद वो अब है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में आ गए, एक स्टक पोजीशन में, जिसमें अब उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस तरीके से जो है सिचुएशन से बाहर निकला जाए। अगर मैं बात करूँ उनकी फीलिंग्स आपके लिए, तो इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत फीलिंग्स आ रही है, ट्रू फीलिंग्स आ रही है, कि ना कि आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त समझ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ओके, सो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उनके माइंड में इस वक्त चल रही हैं, हिडन डेप्थ्स की एनर्जीज है, कुछ बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे शायद बहुत ज़्यादा इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनसे एक मिस्टेक हुई है आपकी लाइफ से मूव ऑन होकर, या फिर आपकी लाइफ से दूर जाकर। अगर ये आपकी लाइफ में रहते तो शायद बहुत ज़्यादा ये हैप्पी रहते, अगर एक क्योंकि ये शायद कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी लाइफ को आपके पास, अपनी पास लाइफ से और अपनी प्रेजेंट लाइफ से, तो कहीं ना कहीं वो यही पा रहे हैं कि शायद उनकी जो हाईएस्ट गुड टाइम था, जो उनका हैप्पीनेस वाला टाइम था, वो कहीं ना कहीं आपके साथ था, और जब से वो आपसे एक नो कॉन्टैक्ट में आए हैं
शायद वो बिल्कुल भी हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और एनर्जीज को ले लेती हूँ, क्या कुछ एनर्जीज मेरे पास में आ रही है। सो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है उनकी बिल्कुल अपोजिट हो गई है, उल्टी सिचुएशन हो गई। जैसे वो आपके साथ में रहते थे, हैप्पी रहते थे, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक लव एंड लाइट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अब वो आपके साथ में जो है एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो एक प्रोटेक्शन को महसूस करते थे, या तो फिर आपने कभी उनकी हेल्प करी है बहुत ज़्यादा उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, तो उन चीज़ों को आज आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा शायद हेल्प करते थे, बिना बोले ही शायद उनकी बातों को समझ जाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा आप उनकी परवाह करते थे या फिर केयर करते थे। तो उन चीज़ों को शायद आपके पर्सन अक्सर जो है बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो आज वही एनर्जीज आपके पर्सन की मिल रही है। सो फ्यू मोर एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, क्या फ्यू मोर एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो गिव अ चांस टू योर रिलेशनशिप। सो सबसे पहले मेरे पास में मेरे पास में जो एनर्जीज आई हैं, मैं इसमें रख देती हूँ साइड में। गिव अ चांस टू रिलेशन की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में जो है कम बैक होना चाहते हैं, चाहते हैं कि उनके रिलेशन को एक सेकंड चांस मिले। आपके पर्सन जो है आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, या फिर एक मौका चाहते हैं, या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अब वो चेंज हो गए हैं। और आप कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, जैसे कि वो शुरुआत में करते थे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ उनकी जो स्टार्टिंग एनर्जीज आ रही है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, ट्रू आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आज भी उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आ रही है, प्रोटेक्शन की एनर्जीज। आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देना चाहते हैं, आपके लिए बर्डन नहीं रखना चाहते हैं अपने मन में कि वो आपके लिए अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी लाइफ में अगर नहीं कम बैक हो रहे हैं और आपको उस चीज़ के लिए दुख हो रहा है या फिर बुरा लग रहा है। सो मेरे पास में जो एनर्जीज आई है आपके पर्सन की, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक गुड टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपके साथ में न्यू बिगनिंग करें। सो आई होप आपके साथ में टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।